हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। और सीएम मनोहर लाल के राजनीतिक सचिव और बीजेपी के पूर्व मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस का हाथ आतंकवादियों के साथ है। सीएबी पर कांग्रेस के विरोध करने पर बेदी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा ही अच्छी योजनाओं का विरोध किया है। बेदी ने कहा कि पीएम मोदी ने देश के हित में फैसला किया है और विधानसभा चुनाव में कम सीटें आने पर बेदी ने कहा कि 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कम सीटें मिली, पार्टी का वोट बैंक बढ़ा। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी कम सीटें आने को लेकर समीक्षा करेगी। जैसा आप देखते हैं क्या इफेक्ट रहेगा इसका? इफेक्ट कुछ नहीं रहेगा, बढ़िया होगा। और भारतीय जनता पार्टी के ही नहीं, ये देश के एजेंडे में, देश की जनता के एजेंडे में था। और देश हित के लिए मोदी जी ने जो भी कदम उठाने की जरूरत उठा रहे हैं। तो कांग्रेस ने पक्ष किस बात का किया? राम मंदिर का विरोध किया, भारत ने 70 का विरोध किया, ट्रिपल तलाक का विरोध किया, उसने समर्थन किस बात का किया? वो तो कांग्रेस का हाथ आतंकवादियों के साथ। तो 5 साल के विकास कार्यों को देखते हुए, सबका साथ सबका विकास को देखते हुए, और जिस प्रकार पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ मुख्यमंत्री जी ने पिछले 5 साल काम किया, वोट परसेंटेज हमारा 3.5% बढ़ा, परंतु वो 3.5% बढ़ा वो वोट बैंक हमारा सीट में